हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मास अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास के 14th चैप्टर स्टैट्स का, जिसमें हमें आज करना है मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो गाइस, हम सबको पता है कि स्टैट्स में अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हमने मीन किया है, मोड किया है और मीडियन किया है, ठीक। बट अब तक हमने जो किया था वो थोड़ा सा लो लेवल का किया था, अब हम करेंगे थोड़ा सा अपर लेवल का, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं डेटा। मीन, मोड एंड मीडियन को समझने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि जो डेटा है वो क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें डेटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम बता नहीं सकते कि क्या नाम है, कि मीन किसका निकालना है, मोड किसका निकालना है और मीडियन किसका निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा होता है वो दो टाइप्स का होता है, वन इज ग्रुप्ड एंड अदर इज अनग्रुप्ड। तो बच्चे, जो ग्रुप्ड होता है, ग्रुप्ड का मतलब हम ग्रुप्ड को सीखने से पहले अनग्रुप्ड करेंगे, क्योंकि अनग्रुप्ड को हम पहले करेंगे तो उससे हमें ग्रुप्ड का मतलब कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अनग्रुप्ड के लिए, क्या कि एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, वन क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, और इन 10 स्टूडेंट्स का क्या किया है, टेस्ट लिया है, क्या लिया है, टेस्ट, और आउट ऑफ 10 मार्क्स, आउट ऑफ 10 मार्क्स। अब मैं क्या करता हूँ, हर बच्चे की डिटेल को यहाँ शो करता हूँ कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स आए हैं वो क्या आए हैं। मार्क्स आए हैं बच्चों के 5, सेकंड के 7, थर्ड के 9, फोर्थ के फिर 7, फिर फिफ्थ बच्चे के फिर 5, सिक्स बच्चे के 7, सेवन्थ के 8, एट्थ के 9, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड देन 4, एंड देन 10, ठीक है। तो अब मैंने ये 10 स्टूडेंट्स के हर मतलब सेपरेटली मैंने इसको क्या लिख लिया, मैंने मार्क्स लिख लिया कि हर बच्चे के मार्क्स इतने इतने आए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मैंने हर बच्चे को सेपरेटली यहाँ पे शो किया है, मैंने उनको ग्रुप में नहीं लिखा, मैंने उनको सेपरेटली उनके मार्क्स दिखाए हैं, दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे ये एक अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप्ड की। तो अब मैं यही बात बोलता हूँ कि क्लास में कुछ मार्क्स आए हैं तो जैसे हमारा रिजल्ट आता है और टीचर्स क्या करते हैं, ग्रुप्ड में डिवाइड कर देते हैं कि क्या नाम है, एक हमारे जो मार्क्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं ना, ए प्लस, ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, ऐसे ही हम यहाँ ग्रुप बना देंगे कि बच्चों के मार्क्स जो है 0 से 2 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 2 to 4 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 4 to 6 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 6 to 8 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 8 to 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हमारा जो है ये ग्रुप होता है, और इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चे CI, क्लास इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14, तो उसमें जो हमारा काम होगा 10th क्लास में वो टोटली ग्रुप्ड डेटा के ऊपर है, उसमें अनग्रुप्ड का कोई काम नहीं है। ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा जो होता है वो ओनली 9th क्लास तक ही रहता है, इसके बाद 10th क्लास में टोटली ग्रुप्ड डेटा के ऊपर क्लासेस हैं, टॉपिक्स हैं, ओके। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मीन, मोड एंड मीडियन। अब हम बताएंगे कि इस चैप्टर में हमारे को 3 चीजें निकालनी है, फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मोड एंड द थर्ड वन इज मीडियन।
ठीक है। अब बात करते हैं मीन। मीन बेटा इस चैप्टर में मीन को तीन तरीकों से निकाला गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। सेकंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड इसको बोलते हैं क्लपित माध्य विधि। क्लपित माध्य विधि। एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ठीक है, इसको बोलते हैं पद विचलन विधि। तो यहां पे मीन के तीन तरीके हैं, ठीक है। तो जो हम मीन निकालेंगे वो तीन तरीकों से निकलेगा। अब मीन को मीन में हम एक एक करके मेथड्स करेंगे, ठीक है। मोड के लिए इसमें कोई भी मेथड नहीं है, सिर्फ ओनली वन मेथड, नो मोर देन वन मेथड, ओके। एक से ज्यादा कोई भी मेथड इसमें यूज नहीं होता। मीडियन के लिए भी एक सिंगल फॉर्मूला है, सिंगल मेथड है, उसी से हम कंप्लीट करेंगे इसको। इन दोनों के लिए तो हमें बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ही ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है। लेकिन बात ये है कि जब हम मीन करेंगे तो हमें डायरेक्ट मेथड समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग एज्यूम्ड मीन मेथड में हुआ है। फिर हम इसका एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे तो उसका प्रयोग स्टेप डेविएशन में हुआ है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो एज्यूम्ड मीन में नहीं समझ पाएंगे। एज्यूम्ड मीन नहीं समझा तो हम स्टेप डेविएशन नहीं समझ पाएंगे। ओके गाइस, तो अब हम लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो हम फर्स्ट करते हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो इसके लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं कि मीन, और मीन को बेटा हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, ओके। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, सिग्मा भी बोल सकते हैं हम इसको। एंड दिस डिनोट्स सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। अब यहां एफ आई एक्स आई के सामने है सिग्मा, तो इट मींस एफ आई एक्स आई का जो डेटा होगा हमारे पास, उन सबको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो दैट मींस ये इसका समेशन मींस सिग्मा निकल जाएगा। अब यहाँ एफ आई है, एफ आई का जो मेरे पास डेटा होगा, उस एफ आई के डेटा को अगर मैं सबको प्लस कर देता हूँ तो वो हमारा सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। तो हम इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल सी आई क्लास इंटरवल। हम क्लास इंटरवल को बोल सकते हैं क्लास मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मली जो एग्जांपल लेते हैं वो यही लेते हैं कि बच्चों का कुछ टेस्ट लिया और उसमें कुछ जो मतलब बच्चों का जो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे वो मार्क्स के बेस पे बनाएंगे, जैसे 0 टू 10 मार्क्स, 10 टू 20 मार्क्स, 20 टू 30 मार्क्स, 30 टू 40 मार्क्स एंड 40 टू 50 मार्क्स, ओके। अब हम क्या काम करेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि 0 टू 10 मार्क्स जो है, 0 टू 10 मार्क्स जो हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं FI। क्या बोलते हैं? FI। एंड FI मींस फ्रीक्वेंसी। FI मींस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एनीथिंग, नंबर ऑफ एनी पर्सन। कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है अदर देन स्टूडेंट्स का हो, कोई भी नंबर ऑफ डॉक्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ पर्सन में आएगा ये, ठीक है। अब 0 टू 10 में हम काउंट करेंगे कि हमारे पास है भाई 2, यहाँ पे है हमारे 3, यहाँ पे है हमारे 7, यहाँ पे हैं हमारे बच्चे 5 एंड देन 3, ओके। अब
अब बात करते हैं कि समेशन ऑफ fi. समेशन ऑफ fi मींस कि जो हमारे पास fi का जो डेटा है इन सब को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो ये हमारा सिग्मा fi आ जाएगा या समेशन fi आ जाएगा 3 टू 5 5 और 7 12 12 5 17 3 20 ये 20 आ गया हमारा ठीक है। अब हमारा क्या काम है कि हमें fi xi निकालना है क्योंकि हमें इसका भी सम करना है लेकिन fi तो हमारे पास है xi नहीं है तो xi के लिए क्या होता है बेटा xi is what xi is क्लास इंटरवल के जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होता है इसको दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दो u यहां क्या है अपर लिमिट एंड l क्या है लोअर लिमिट। मैं यहां एग्जांपल से बता रहा हूं आप लोगों को जैसे मैंने क्लास इंटरवल ले लिया 10 टू 20 दैट मींस लोअर लिमिट यहां पे क्या है 10 एंड द अपर लिमिट इज 20 ओके। तो अब जैसे हम यहां इसकी बात कर रहे हैं यहां xi निकालेंगे हम तो xi के लिए हम क्या काम करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 10 10 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 5 ओके। अब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 10 टू 20 तो हम 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 30 by 2 15 देन नेक्स्ट 20 एंड 30 को 50 50 का 25 देन नेक्स्ट 35 देन नेक्स्ट 45 ओके वेरी इजी। Now, अब हमें सम किसका करना था हमें सम करना था fi xi का। fi xi मतलब क्या होता है कि fi को और xi को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो fi क्या है हमारा जैसे मैं यहां कॉलम बना लेता हूं fi xi का तो fi xi में फर्स्ट प्लेस में करेंगे तो फर्स्ट प्लेस xi का लेंगे फर्स्ट प्लेस fi का लेंगे तो 2 into 5 10। अब मैं सेकंड प्लेस ले रहा हूं तो fi का भी सेकंड होना चाहिए और xi का भी सेकंड ऐसा नहीं हो कि fi का फर्स्ट ले रहे हैं xi का सेकंड ले रहे हैं या फिर xi का फर्स्ट ले रहे हैं fi का सेकंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को ठीक है। तो 3 into 15 45 25 into 7 175 5 into 35 175 45 into 3 4 12 135। अब हम यहां इन सब का क्या कर देंगे बेटा सम और सम निकल जाएगा तो सिग्मा हो जाएगा सब को जोड़ेंगे 5 5 10 15 20 20 का ये 2 2 1 3 3 4 7 7 14 21 21 और 3 24 2 2 1 3 4 5 5 ओके यहां तक क्लियर हुआ सबको यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां मैं लिख रहा हूं साइड में क्या कि हम अब यहां पे मीन का फार्मूला लगा देंगे और मीन का फार्मूला क्या होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi ठीक है। तो अब समेशन fi xi क्या है 540 समेशन fi क्या है 20 तो देखो यहां पे 0 से 0 कट गया 2 गंजा और 2 से 27 और मीन आ गया हमारा 27 क्या आ गया हमारा मीन 27। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया है ठीक है। तो ये सब आप बताइएगा एक बार फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड ओके। नहीं तो मैं एक काम करता हूं एक एग्जांपल और लेता हूं ठीक है। तो अभी उतारिए चलो ये उतार लो क्या नाम है वीडियो पॉज करके एक बार उतार लेना मैं अब इसको रन कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक एग्जांपल और लेके आज का डायरेक्ट मेथड जो है हम इसको क्लियर कर लेते हैं ठीक है। तो देखिएगा क्लास इंटरवल आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है एंड द क्लास इंटरवल इज 0 टू 5 0 to 10 that's so easy and 30 to 40 and 40 to again 50 okay fi we have to take it will be given घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें
ये आपको दिया जाएगा, ये क्लास इंटरवल भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा और ये फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2, 3, 4, 8, 8 to 10 एंड 11, 10, ठीक है, ओके। नाउ हमारा जो काम है वो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, सबसे पहले तो एस्मेशन एफ आई करो, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इज व्हाट, 3, 2, 5, 4, 9, 20, 20, 10, 30, ओके। नाउ अगेन सिग्मा एफ आई एक्स आई, ओके। तो अब हम सबसे पहले यहाँ एक्स आई करेंगे, और एक्स आई मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स आई की जो वैल्यू होती है वो अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, तो 5, ये 15, ये 25, ये 35 एंड ये 45, ओके। नाउ सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, तो एफ आई और एक्स आई को दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, 5 to 10, 15, 3, 45, ये 100 हो गया, ये हो गया आपका 385, ये हो गया आपका 450, ओके। नाउ इन सब को हम क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो देखो 5 और 5, 10, 1 कैरी 2, 1 यहाँ, तो 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6 और 8, 14, 14 और 5, 19, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 4, 9, ओके। नाउ नाउ अब हमारा क्या काम है, अब हमारा है मीन का फॉर्मूला लगाना है, मीन इज इक्वल्स टू, बेटा बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जो भी हम काम करेंगे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो मीन की वैल्यू क्या है, तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अपर लिमिट सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट 990 अपॉन सिग्मा एफ आई 30, 0 से 0, 3 1 3, 3 3 3 3, आंसर आ गया मीन 33। बताओ ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब मतलब जो भी डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इसी तरीके से करने, सेम, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ज़्यादा और कोई काम नहीं करना, कि ये क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ इसी टाइप से मिलेंगे, सी आई आपको गिवन होगा, एफ आई आपको गिवन होगा, आपको सिंपली एक्स आई निकालना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके सिंपली एक्स आई निकालना है, उसके बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका सम निकालना है, इनका सम निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका सिंपली मीन निकल जाएगा। कौन से वाले मेथड का निकलेगा, डायरेक्ट मेथड का, ओके ओके। तो आज तक, हाँ आज तक का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके गाइस, बाय।